रीवा जिले के मऊगंज में बिजली गिरने के 5 मामले सामने आए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, 11 घायल हुए। 3 घायलों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। रीवा जिले के मऊगंज में बिजली गिरने के 5 मामले सामने आए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 11 घायल हुए। 3 घायलों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। रीवा जिले के मऊगंज में बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, 11 लोग घायल हुए। 3 लोग गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे। हम आपको बता दें, आज मऊगंज में चुनाव चल रहा था, इसी दौरान पोलिंग बूथ के बाहर बिजली गिरी। कुल मिलाकर देखा जाए तो मऊगंज के अलग अलग इलाकों में 5 जगह बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। इसमें बच्चों सहित महिला और पुरुष भी घायल हुए हैं। मऊगंज वार्ड क्रमांक 2 में मतदान हो रहा था, उसी दौरान मऊगंज के वार्ड क्रमांक 2 में बिजली गिरने की वजह से तालाब के किनारे बच्चे खेल रहे थे, वहीं पर एक हादसा हुआ। मरने वाले 3 बच्चे बताए जा रहे हैं। इसके 3 दिन पूर्व मऊगंज के वार्ड 11 में, जहां पर बच्चे खेल रहे थे, बिजली गिरी थी। यह तो अच्छा हुआ था, उस दिन बिजली किसी के ऊपर नहीं गिरी थी, इसलिए कोई अनहोनी नहीं हुई थी। वहां पर भी 4 बच्चे घायल हुए थे। आज बच्चे जहां पर खेल रहे थे तालाब के किनारे, यह इलाका वार्ड क्रमांक 2 मऊगंज के अंतर्गत आता है, बिजली गिरी जिसकी चपेट में 3 बच्चे आ गए, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। 11 बच्चों को तत्काल ही मऊगंज के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर बच्चों का इलाज चल रहा है। वहीं 3 बच्चे जो गंभीर रूप से घायल थे, उनको प्राथमिक उपचार करने के बाद रीवा के संजय गांधी अस्पताल इलाज के लिए भेज दिए गए। यहां पर इनकी हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। हम आपको बता दें, मऊगंज में फिर एक बार आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया है। मऊगंज थाना क्षेत्र के वार्ड 2 में बारिश के दौरान बिजली गिरने से बड़ा हादसा हुआ। इस बारे में हमने मऊगंज के विधायक सहित अस्पताल के इंचार्ज से बात की, जो मऊगंज के सिविल अस्पताल में जैसे ही उनको खबर मिली बिजली गिर गई है, तत्काल ही पहुंच गए थे। इसी दौरान वहां पर पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह भी पहुंच गए। इलाके में मतदान चल रहा था, उसी दौरान बिजली गिरी, एक गंभीर हादसा हुआ। हमने मऊगंज के विधायक से, सिविल अस्पताल के बीएमओ से बात की, आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। वार्ड नंबर 2 में यहाँ बिजली गिरी है, अभी जब तेज पानी बिजली गड़की बन रहा, इसमें 12 लोग अपने चपेट में आ गए, लगभग बच्चे हैं, महिलाएं हैं। उन लोगों को जैसे सूचना मिली यहाँ है, तो 3 लोग इसमें ऑन द स्पॉट कंडम हो गए थे, बाकी 2 थोड़ा सा सीरियस थे, बाकी सब स्टेबली है, स्वस्थ हैं। जैसे डॉक्टरों से बातचीत हुई, उनका कहना है कि जो 2 हैं वो अपन रिफर कर रहे हैं, वो भी डॉक्टरों के हिसाब से वो स्वस्थ है, क्योंकि बच्चे हैं, घबराहट है, उनको रिफर कर रहे हैं। उम्मीद है कि जिनकी मौत हुई है वो कौन थे, बच्चे थे या बच्चे थे? बच्चे थे, बच्चे ही बच्चे थे, तालाब के पास वहीं पर। एम्बुलेंस में व्यवस्था नहीं हो पा रही है कि एम्बुलेंस में 2-2, 3-3 पेशेंट लेके ले जाया जा रहा है? जल्दी होने के कारण ये एम्बुलेंस में भेज दिया गया है, वरना एम्बुलेंस आ रही है। इतना समय देना ठीक नहीं था, इसलिए तत्काल भेजिए। मृत परिवार के बच्चों को आप लोग की तरफ से क्या सहायता दी जाएगी? जो भी कंपनसेशन पूरा दिया जाएगा, SDM भी आए थे, SDOP भी आए थे, उनसे पूरी बात हुई, परिवार के परिजनों से भी भेंट कराया गया, जो उनका कंपनसेशन पूरा मिला। मामला ये है कि अभी 1 घंटे पहले आकाशीय बिजली जिसे चढ़ती है, उसके कारण उनको झटके लगे हैं, उसके ऊपर तो नहीं गिर पाए, जल तो नहीं पाए हैं, लेकिन झटके ऐसे लगे हैं कि उनके हाथ पैर मतलब अंदर तो अंदरूनी चोट कोई नहीं आई है। कुछ 3 लोग सीरियस हैं, जिनको अपन संजय गांधी अस्पताल रिफर कर रहे हैं, उनका नाम विजय केवर, राजेश साकेत और मुन्नी यादव, और 3 लोगों की डेथ हो गई है। अब चूंकि मर्चुनी शिफ्ट कर दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए, उसको डिटेल जानकारी अभी पुलिस वालों के पास है, जैसे आता है हमारे पास पुलिस का फॉर्म, हम आपको जानकर। टोटल कितने लोग घायल हैं? 11 घायल, 3 की मौत हुई है जी। जो घायल है उनको लखवा की शिकायत ऐसा लगता है, 3 लोग हैं, संजय गांधी मेडिकल कॉलेज।